तीन छोटे सुअर, बड़े बुरे भेड़िये के साथ एक रोमांचक साहसिक यात्रा। एक बार की बात है, मम्मी पिग और उसके तीन छोटे सुअर जंगल में एक घर में रहते थे। मम्मी पिग के पास तीन छोटे सुअरों की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। मम्मी पिग ने थ्री लिटिल पिग्स से कहा कि उन्हें उसे छोड़ना होगा और अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अगले दिन तीन छोटे सुअर चले गए और जंगल में चले गए। उन्होंने किसी बड़े दुष्ट भेड़िये को पेड़ के पीछे से उन्हें घूरते हुए नहीं देखा। भेड़िया भूखा था और तीन छोटे सुअरों को खाना चाहता था। तीन छोटे सुअर कुछ भूसे के साथ एक आदमी से मिले। पहले छोटे सुअर ने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे अपना घर बनाने के लिए कुछ भूसा मिल सकता है। उस आदमी ने कहा कि वह कर सकता है और उसे कुछ भूसा दिया। पहले छोटे सुअर ने भूसे से एक घर बनाया। वह अपने भूसे के घर से बहुत खुश था। अन्य दो छोटे सुअरों ने अलविदा कहा और जंगल के रास्ते आगे बढ़ गए। पहला छोटा सुअर उसके भूसे वाले घर में गया। थोड़ा आगे दो छोटे सुअर एक आदमी को लाठी लेकर मिले। दूसरे छोटे सुअर ने आदमी से पूछा कि क्या उसके साथ अपने घर बनाने के लिए कुछ छड़ें हो सकती हैं। उस आदमी ने कहा कि वह उन्हें कुछ छड़ें दे सकता था। दूसरे छोटे सुअर ने लकड़ियों से एक घर बनाया। वह लकड़ियों से बने अपने घर से बहुत खुश था। तीसरे छोटे सुअर ने अलविदा कहा और जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। दूसरा छोटा सुअर लकड़ियों से बने उसके घर में चला गया। तीसरा छोटा सुअर ईंटों से भरे एक ठेले को धकेलते हुए एक आदमी से मिला। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं। उस आदमी ने कहा कि वह कर सकता है और उसे कुछ ईंटें दी। तीसरे छोटे सुअर ने बहुत मेहनत की और ईंटों से अपना घर बनाया। वह ईंटों से बने अपने घर से बहुत खुश था। वह चाहता था कि उसका घर बाकी दोनों से ज्यादा मजबूत हो। बड़ा दुष्ट भेड़िया पहले छोटे सुअर के घर गया। उसने खिड़की में देखा और पहला छोटा सुअर देखा। भेड़िये ने दरवाजा खटखटाया। भेड़िये ने पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है, लेकिन पहले छोटे सुअर ने भेड़िये को अंदर नहीं आने दिया। बड़ा दुष्ट भेड़िया फुफकार उठा। उसने फूस का बना घर उड़ा दिया। पहला छोटा सुअर दूसरे छोटे सुअर के घर की ओर भागा। बड़ा दुष्ट भेड़िया दूसरे छोटे सुअर के छड़ी वाले घर में गया। उसने अंदर देखा और दो छोटे सुअर देखे। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है, लेकिन दो छोटे सुअरों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बड़ा दुष्ट भेड़िया फूफकार उठा। उसने लाठी डंडों से बने घर को उड़ा दिया। दो छोटे सुअर तीसरे छोटे सुअर के घर की ओर भागे। बड़ा दुष्ट भेड़िया तीसरे छोटे सुअर के घर गया। उसने खिड़की से देखा और दरवाजा खटखटाया। तीन छोटे सुअर घर में एक साथ थे। बड़े दुष्ट भेड़िये ने पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है, लेकिन तीन छोटे सुअरों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बड़ा दुष्ट भेड़िया पुकार रहा था, लेकिन ईंटों से बने घर को वह उड़ा नहीं सका। ईंट का घर भेड़िये के लिए बहुत मजबूत था। बड़ा दुष्ट भेड़िया घर तक सीढ़ी ले गया। वह चिमनी से नीचे उतरकर उस रास्ते से घर में घुसने वाला था। बड़ा दुष्ट भेड़िया सीढ़ी से ऊपर छत पर चढ़ गया। वह बहुत खुश था कि आज वह तीन सुअर खा जाएगा। बड़ा दुष्ट भेड़िया चिमनी से नीचे कूद गया। वह खौलते पानी के बर्तन में जा गिरा। तीन छोटे सुअरों ने चिमनी के नीचे बर्तन को आग पर रख दिया था। बड़ा दुष्ट भेड़िया बुरी तरह जल गया। वह बर्तन से बाहर कूद गया और घर से बाहर भाग गया। तीन छोटे सुअर बहुत खुश थे। अब उन्हें भेड़िये से डरने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद से वे खुश रहे। नैतिक पाठ: जीवन में शॉर्टकट न अपनाएं। कड़ी मेहनत अंततः अंत में फल देती है।